हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत हार्ड वर्क के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो और हार्ड वर्क के साथ चीज़ों को सुन रहे हो, लिख रहे हो और पढ़ रहे हो. सर, एक ही चीज़ कहूँगा, आपकी जो सक्सेस है सर, वो पूरी की पूरी आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है कि आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं. सर, ये है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3, जिसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा सर, ये मैंने थोड़ा सा अपना मैप सेट किया है सर. देखिए सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 पढ़ूंगा सर, आपके साथ बिजनेस का मीनिंग सीखूंगा सर. उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 गुड्स का मीनिंग सीखेंगे. फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 सर्विसेज सीखेंगे सर. सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 सीखेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 सीखेंगे कंसीडरेशन. सेक्शन 2 सबसेक्शन 75 सीखेंगे सर मनी. ये कुछ डेफिनेशन सीखेंगे सर. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम शेड्यूल करना चालू करेंगे. ये कुछ बेसिक टर्म्स मीनिंग है सर. ICAI में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, MCQ में भी सर आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, और आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं 2 to 4 मार्क के. तो इस पार्ट का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको ये सारी मीनिंग सिखाऊं. और ICAI ने सर आपके सिलेबस में दे रखा है स्टडी मेट में, तो मैं चाहता हूं कि आप इन सारे शब्दों को एक एक करके सीखें. ठीक है सर, तो सर स्टार्ट करते हैं बिजनेस की मीनिंग. ठीक है सर, बिजनेस की मीनिंग बिजनेस. ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 सर, एक एक करके समझते हैं बिजनेस का मीनिंग क्या क्या होता है. सबसे पहले तो सर ये कहता है बिजनेस का मीनिंग, ए पार्ट में सीखते हैं. क्लॉज ए है ये हमारा, एनी ट्रेड. ट्रेड मतलब आप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदते बेचते तो हम ट्रेड करते हैं, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर. ठीक है, आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप इसे याद रखने के लिए इसके बगल में कोड लिख लेंगे TCM, ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर. ये आप कर रहे हो. कोई भी आप प्रोफेशन कर रहे हो या वोकेशन कर रहे हो, सर ये प्रोफेशन और वोकेशन में क्या अंतर होता है? देखो, प्रोफेशन जो होता है, जैसे आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, तो ये आपके लिए प्रोफेशन कहलाएगा कि हाँ भाई साहब जो है वो एक डॉक्टर है. और वोकेशन क्या होता है? जैसे आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लिया तो सब कहेंगे ये वोकेशन है. ठीक है, प्रोफेशन और वोकेशन आप कर रहे हो. कोई भी आप एडवेंचर कर रहे हो, एडवेंचर मतलब कि जैसे रूडीज जैसा गेम शो आता है, ठीक है, एडवेंचर मतलब कि आपको उससे किक मिलती है, लेकिन आपके मजे से आपका बिजनेस चल रहा है. कोई सिंगर है, ठीक है, अब सिंगर है, अब वो कई बार मतलब क्या कहते हैं उसे एडवेंचर इस तरीके से कहो कि मान लो कोई स्टंटमैन है, स्टंटमैन कार चलाता है, ठीक है, कार चलाता है, हवाओं में उड़ाता है, स्टंटमैन, तो उसके लिए एडवेंचर है. ठीक है, लेकिन हमारे एंगल से उसे हम क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे. वेजर मतलब सट्टेबाजी करता है. एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी मतलब इनमें से कोई भी एक्टिविटी या इनके जैसी कोई एक्टिविटी आप करोगे तो हम उसे बिजनेस मानेंगे. क्लोज हमसे ये कहते हैं सर. मैं पहले बता दूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं कि जिस डेफिनेशन पे जितना पॉइंट पे जितना फोकस देना है मैं करवाऊंगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड सर. ठीक है, इतना नहीं कि इतना ज़्यादा खो जाऊं कि आपका बहुत समय लग जाए. नहीं सर, मैं चाहता हूं कि 60 घंटे में 50 घंटे में आपकी GST रेडी हो जाए ताकि आप 50 to 40 मार्क्स जो है उसमें कवर कर पाए. ठीक है सर, तो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड में बात करूंगा और वही करूंगा सर जो एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे. उसके बाद सर वो कहते हैं वेदर और नॉट इट इज़ फॉर अ प्रीक्योनरी बेनिफिट. यानी जरूरी नहीं है उसके बदले में आपको बेनिफिट हो, जरूरी नहीं है उसके बदले में इनकम हो. इनकम हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, आप ये कर रहे हो ये जरूरी है. अगर आप ये कर रहे हो तो ये बिजनेस में आएगा, वो आपसे ये कहना चाहता है. इट मींस रिटेंशन टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट अ क्राइटेरिया. ठीक है, कि आप प्रॉफिट कमाओ ये कभी भी आपका क्राइटेरिया नहीं हो सकता. आपको यहाँ पे फोकस करना है कि आप ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या प्रॉफिट पर्पस के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे हमें. जैसे वेजर है मतलब अब वहाँ पे सट्टेबाजी करता है. एक भाई साहब गाना बना चुके हैं इस पे कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को. भाई तुम गम भुलाने के लिए करो या कुछ भी करो, गलत काम कर रहे हो, वेजर कर रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, प्रोफेशन वोकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे लिए ये बिजनेस में कवर होता है. ये है हमारा क्लॉज ए. ठीक है, गुड, आपको समझ में आ गया, बधाई हो. आ गया सर, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए. यानी कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन है, कोई भी आपकी एक्टिविटी है जो आपके क्लॉज ए को सपोर्ट करेगा वो यहाँ पे आ जाता है. सर क्लॉज ए को सपोर्ट करेगा, ये भी थोड़ा सा समझा दो सर एक आध एग्जाम्पल देके. देखो दोस्त, जैसे मान लो आपने AC लगा रखा था अपने बिजनेस में. कहाँ लगा रखा था? बिजनेस में. अब वो जो AC है, अब वो आप बेच रहे हो. ठीक है, अब मान लो वो AC, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप उस AC का अपने बिजनेस में यूज़ करते थे और आप उसे बेच रहे हो. ठीक है, आपकी कोई ओल्ड मशीन है,
ठीक है, आपका कोई ओल्ड मशीन है, ओल्ड एसी हो गया, आपका ओल्ड फर्नीचर हो गया, अगर आप वो सब भी बेच रहे हो तो उसे हम बिजनेस का पार्ट मान लेंगे, और बिजनेस में आ गया तो भैया आपको सप्लाई ट्रीट करके जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद सर हमारे पास सब क्लॉज सी आता है। क्या आता है सब क्लॉज सी? ये कहता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन दी नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, मतलब ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि हमें लग रही है क्लॉज ए की हो सकती है। ठीक है, सब क्लॉज ए मतलब क्लॉज ए की हो सकती है, सब क्लॉज ए की हो सकती है, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूटी रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। अब मान लो प्रोफेशन है सर, प्रोफेशन है मेरा, प्रोफेशन टीचिंग है, अब मैं आपको रोज वीडियो बना के दूँ या एक दिन बना के दूँ, रहेगा तो प्रोफेशन ही ना। अब मान लो आमिर खान है, वो साल में आपकी 50 मूवी निकाले या एक मूवी निकाले, मूवी तो मूवी होती है, कमाई कमाई होती है, तो उसका उसके वॉल्यूम पे कितनी बड़ी मूवी है, कितने रुपए की है, कितनी बार वो मूवी बनाता है, फ्रिक्वेंसी क्या है सर, रोज बनाता है, सप्ताह में बनाता है, महीने में बनाता है, साल में बनाता है सर, रेगुलरिटी क्या है, इन सब बातें से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर यहाँ पे वर्ड क्या डाला गया है आईसीआई के द्वारा, वेदर और नॉट, कि भैया वो करे या ना करे उसकी मर्जी। ठीक है, गुड, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई। सी, अब सर डी पॉइंट, डी क्लॉज है हमारे पास यहाँ पे, कहते हैं सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस। यानी आप बिजनेस को चालू करने के लिए कोई कैपिटल गुड्स ला रहे हो, मान लो एसी ला रहे हो, फर्नीचर ला रहे हो, टीवी ला रहे हो, मशीन ला रहे हो कमेंसमेंट के समय, या फिर जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, और बिजनेस को जब आप बंद करते समय इन सब चीजों को ला रहे हो या दे रहे हो किसी और को, तो इसको भी हम सप्लाई मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि मान लो एक कंडीशन हो गई आपकी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने पर आपने जो भी मतलब कि परचेज किया, क्या क्या परचेज किया आपने, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, वो सभी चीज़ें सप्लाई में मानी जाएगी कि आपने खरीदा है बिजनेस के लिए। और दूसरी बात ये क्या आ जाता है कि आपने जब क्लोजर ऑफ बिजनेस है, क्लोजर ऑफ बिजनेस के समय आप क्या करोगे, क्लोजर ऑफ बिजनेस के समय आप जो भी बिजनेस की असेट्स होंगी उनको आप सोल्ड आउट करोगे, सेल करोगे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है सर, सर हमें बिजनेस का मीनिंग समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस का मीनिंग वो नहीं है जो आप समझ के आए हो, यहाँ बिजनेस का मीनिंग वो है जो आईसीआई आपको बताना चाहता है। ठीक है, गुड, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ई ई क्लॉज। ठीक है, ई क्या कह रहा है आपसे, प्रोविजन किसके लिए है सर, कि कोई भी क्लब है, कोई भी सोसाइटी है, और एनी सच बॉडी मतलब इनके जैसा ही कोई हो सकता है, ठीक है, ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर। अब मान लो क्या हुआ कि मतलब एक गोल्ड जिम है, मान लो, ठीक है, गोल्ड जिम में क्या होता है, एग्स खिलाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन वगैरह दिया जाता है ताकि बॉडी बॉडी अच्छी बने। अब वो फैसिलिटी किसको दे रहा है, अपने मेंबर को, और मेंबर से उसके बदले में पैसे ले रहा है, ठीक है, बेनिफिट दे रहा है मेंबर को, और मेंबर उसके बदले में जिम को पैसे दे रहे हैं, तो सर ये जो है इसे भी बिजनेस माना जाएगा। वो कहेगा सर ये मेरा बिजनेस थोड़ा है, मेरा बिजनेस तो जिम चलाना है। उसने कहा लेकिन ये चीज़ें आपके बिजनेस को सपोर्ट तो कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी जेब में पैसे तो आ रहे हैं, तो अगर अब से ऐसा कोई भी जिम है या ऐसा कोई भी सोसाइटी है, क्लब है, जो अपनी मेंबर्स को कोई बेनिफिट दे रही है, तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। उसके सर एफ पॉइंट है, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये वाला प्रोविजन नहीं समझ में आया। सर मान लो कोई भी पार्क है, ठीक है, पार्क हो गया आपका, या फिर आप बोलो कि मान लो कोई भी मेला टाइप का लगता है आपके आस पड़ोस में, जैसे कई बार कुंभ का मेला लगता है, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कई बार दिवाली मेला लगता है, ठीक है, हमारे यहाँ झूले वूले भी लगते हैं बच्चों के लिए, कोई भी सिनेमा है सर, ठीक है, कोई भी मूवी शो है, मूवी शो है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, या फिर कुछ सर इवेंट वगैरह होते हैं, जैसे कोई आजकल स्टैंड कॉमेडी का बड़ा सेशन चल रहा है, जकीर खान है शायद, या जकीर हुसैन है, एक भाई साहब बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो वो भाई साहब जब कॉमेडी करते हैं तो लोग उनकी टिकट्स खरीद के वहां पे जाते हैं उनका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो एडमिशन मतलब उसकी टिकट जब कोई पर्सन लेगा, ठीक है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये बिजनेस नहीं किया, उसने तो बस लोगों को हंसाया,
तो लोगों ने चाय पानी का खर्चा दिया। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों को सर्विस दी जा रही है, हंसाने की सर्विस। हंसाने की सर्विस भी एक सर्विस है सर। मूवी देखने जा रहे हो, रजनीकांत को देखने जा रहे हो आप रॉबर्ट टू में, या फिर शाहरुख खान को देखने जा रहे हो आप जीरो मूवी में, सर ये सर्विस है जो एक्टर्स ने आपको दी है। तो उसके उनकी परफॉर्मेंस के लिए आप जो टिकट परचेज कर रहे हो उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि इसे हम बिजनेस मानेंगे। ये कहता है सर आपका पॉइंट नंबर एफ, क्लॉज एफ, ठीक है ओके। इस बार सर जी पॉइंट आता है आपका, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन, मतलब एक ऐसे पर्सन ने सर्विस दी, सप्लाइड बाय अ पर्सन मतलब एक ऐसे पर्सन ने सर्विस दी एज दी होल्डर ऑफ एन ऑफिस, जो कि किसी ऑफिस में होल्डर है, मतलब किसी ऑफिस में उसने जॉब वो कर रहा है, विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन। इसका मतलब नहीं समझे आप, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा टफ होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहली चीज आपको क्या समझनी है, लिटिल लिटिल समझना है सर, लिटिल लिटिल ये समझना है कि मान लो मैं सी ए ड्रीमर्स दी एवेंजर में मान लो यहाँ का प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है वीएम सर, ठीक है सी ए ड्रीमर्स दी एवेंजर के प्रोप्राइटर वीएम सर। अब मैंने यहाँ पे एक पोजीशन होल्ड की हुई है, पोजीशन होल्ड की हुई है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं सी ए ड्रीमर्स दी एवेंजर में प्रोप्राइटर हूँ वीएम सर, इसलिए मान लो श्रीराम कॉलेज है आपका, श्रीराम कॉलेज वहां पे मुझे बुलाया गया कि सर आप आके ना यहाँ पे कोई प्रोग्राम कर दो यहाँ, या फिर आपका टैक्स पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप 2 आवर्स के लिए फैकल्टी बन जाओ सर, विजिटिंग फैकल्टी, आप जीएसटी और डीटी आके पढ़ा दो। तो मुझे यहाँ पे काम इसलिए मिला क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे काम करता हूँ, तो इसे भी क्या माना जाएगा कि मैं यहाँ पे जो सर्विस दे रहा हूँ दूसरे कॉलेज को, वो भी क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि भैया ये भी मैंने क्या किया है, एक तरीके से सर्विस ही दी है, ये भी मेरा एक बिजनेस ही हुआ। ओके गुड, अगर सर ज्यादा दिमाग में ना जाए तो परेशान नहीं होना है, जितना समझ में आ रहा है उतना काफी है, ठीक है। बहुत टफ चीजें बता रहा हूँ सर मैं आपको, मुझे पता है टफ है लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा सर, पास होना है। एच पॉइंट कहता है सर, सर यहाँ पे अमेंडमेंट आई है, क्या आई है अमेंडमेंट, एच पॉइंट में अमेंडमेंट है सर। यहाँ पे लिखिए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय को सर यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एक्टिविटीज ऑफ, एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब बाय वे ऑफ को हटा दो, यहाँ पे वर्ड लिख देना इंक्लूडिंग, ठीक है। ये क्या कहता है, ये अब क्या कहता है पढ़ना मेरे साथ, ये अमेंडमेंट है सर, ठीक है। ये क्या कहता है, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, किसकी एक्टिविटी सर, रेस क्लब की, मतलब घोड़े वोड़े जो लोग दौड़ाते हैं कि भैया ये मेरा इस वाले जॉकी पे इतना पैसा, इंक्लूडिंग अ टोटल टोटली सेटर सर। ये टोटली सेटर कौन सा होता है, वो बंदा जो रेस क्लब को ऑर्गेनाइज करता है, वो बंदा जो उस क्लब को ऑर्गेनाइज करता है, वो बंदा जो रेस को ऑर्गेनाइज करता है, उन सभी लोगों को टोटली सेटर कहा जाएगा। और अ लाइसेंस टू बुक मेकर इन अ सच क्लब, जो बंदा लाइसेंस दे रहा है कि हाँ आप आइए खेलिए, उस बंदे को भी जो वो काम कर रहे हैं रेस क्लब में, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी की सारी बिजनेस मानी जाएगी। दोबारा से हिंदी मीनिंग में बताता हूँ, हिंदी मीनिंग इसका ये कहता है कि सर कि रेस क्लब में कोई भी पर्सन है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, सर्विस मानी जाएगी आपकी, सर्विस मान लो, या फिर ये कहो कि बिजनेस माना जाएगा आपका। और जो टोटली सेटेटर जो बंदा है, या फिर ऐसा बंदा जो आपको जॉकी पे पैसा लगाने की फैसिलिटी दे रहा है, जो सट्टेबाजी करवा रहा है वहां पे, जो 10 लोगों को बुला रहा है चाय पानी पे और कह रहे हैं चलो घोड़े पे पैसे लगाते हैं, वो सभी जो काम किए जा रहे हैं उसे हम बिजनेस के डेफिनेशन में रखेंगे, ठीक है गुड। उसके बाद सर अगला आता है, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटीज। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान के चलो, मान के चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट ने सर्विस दी आपको सर पोस्ट ऑफिस की, गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी मान लो आपके कोरियर की सर्विस, तो वो उसी के लिए कह रहा है कि कोई भी एक्टिविटी करी जा रही है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, इन विच दे आर इंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, वो पब्लिक अथॉरिटी की तरह अपने आप को ये परमिशन दे रहे हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं जो कि प्राइवेट लोग करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बस चलाना है ना, लेकिन उसमें तो जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं आपसे कि गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटी दे रही है आपको एज अ प्राइवेट या एज अ पब्लिक, तो भैया उस चीज में गवर्नमेंट भी आपके ऊपर जीएसटी लगाएगी,
अगर उसकी किसी टाइप की सर्विस हुई तो वो भी बिजनेस माना जाएगा कि वो कर रहे हैं। ठीक है, अब सर मेरी बात को सुनना सर, क्या एग्जाम पर्पस के लिए से याद रखना है? सर देखो, इस डेफिनेशन को मैं आपके दूंगा आपके 3 स्टार, ठीक है, आउट ऑफ 5। तो मैं कहूंगा अभी एक बार पढ़ना, एक बार और पढ़ना, और एक बार बिना देखे से लिख के देख लेना एज अ टेस्ट। अगर आप इसके ए टू आई पॉइंट लिख पाते हो तो समझ लेना आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, आप एग्जाम में पास हो जाओगे। ठीक है, अब एक बार एग्जाम से पहले इसे पढ़ लेना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, अभी एक बार अभी मतलब मेरे साथ एक बार खुद से, एक बार टेस्ट बस, और एक बार एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले ये जो पार्ट है एक बार एग्जाम से पहले देख लेना, जो डेफिनेशन लिखना है कैसे क्या करना है समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को इसमें नहीं समझ में आया हो तो ज़्यादा परेशान मत होना, 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना टाइम देना चाहिए था, जितना समझाना चाहिए था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो भी उसको इग्नोर करना, क्योंकि इतना ही समझना है सर, इससे ज़्यादा इस पर फोर्स मत करना। ठीक है, और आई तक जितने पॉइंट भी कीवर्ड्स के साथ आप लिख सकते हो लिखने की कोशिश करना। ठीक है, ओके गुड। ठीक है सर, तो ये एक छोटा सा पार्ट में क्या करता हूँ, ये पार्ट 3 है, तो ये पार्ट 3 इसका नाम है पार्ट 3 ए डाल देता हूँ, ऐसे बी डाल दूंगा, ऐसे सी डाल दूंगा, ऐसे डी डाल दूंगा, ये डेफिनेशंस के पार्ट हो जाएंगे पार्ट 3 के। ठीक है, फिर पार्ट 4 में हम शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे। तो मैं पार्ट बी में मिलता हूँ, मतलब पार्ट 3 के पार्ट बी में मिलता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। ओके सर, बाय बाय। और ना लाइक को लाइक करना मत भूला करो, लाइक करो फटाफट। ओके, और कमेंट बॉक्स में बता भी दिया करो आपको समझ में आया नहीं आया, और ज़्यादा टेंशन मत लेना इस डेफिनेशन के लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना समझ लिया काफ़ी है। तो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ पार्ट बी में। ओके।